तो क्या फ्यूचर रिटेल में कोई बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है? क्या फिर से इसकी वैल्यू अप जाने वाली है? क्या फिर से एक इसमें भारी उछाल देखने मिल सकता है जिससे हमारी वैल्यू बढ़ सकती है? क्या फ्यूचर रिटेल में फिर से ये ऊपर जाते हुए दिखेगा जैसे यहाँ पे हमको पहले जाते हुए दिखेगा था? क्या कोई बड़े इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं? क्या कोई बड़ा गेम इसमें होने वाला? तो जी हाँ, चलिए उसके बारे में वीडियो में बात करते हैं, जानते हैं फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप का आने वाले पॉसिबल फ्यूचर्स। तो कैसे हो भाई लोग, होप सो आप अच्छे ही होंगे। आपका फिर से एक बार स्वागत है टेक्निकल बुल चैनल में, और मैं आज आपका होस्ट बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप और फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कि अभी क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर ग्रुप में एक बड़ी उछाल देखने मिल सकती है या फ्यूचर रिटेल में सिर्फ वो उछाल दिखने वाली है, तो क्या होगा इसका आने वाला फ्यूचर। उससे बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि टेक्निकल बुल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हैं? हमारा 6K सब्सक्राइबर का एम है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। और अगर अभी तक आपने ये बेल आइकन नहीं दबाया तो क्यों नहीं दबाया है? अगर आप ये नहीं दबाएंगे तो आप अपडेट्स मिस कर जाएंगे। और अब हम आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए भी कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमको कमेंट्स आए थे कि सर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक्स रिकमेंड करो जैसे 1 से 2 दिन में हल्का खासा प्रॉफिट हो सके, तो हम वो भी रिकमेंड करेंगे आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। और ये मोस्टली हम हर वीडियो में आपको ऐसे थोड़े बहुत रिकमेंड करेंगे, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अभी फ्यूचर ग्रुप के बारे में कि फ्यूचर ग्रुप में भी क्या क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भले ही हमको फ्यूचर रिटेल नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं तो आपको अभी बोलूँगा इस समय इसका बेस्ट प्राइस है 95 से। अगर आपको 100 के बीच में मिल रहा है, इसको आप 105 भी कर सकते हैं, तो आपको फ्यूचर रिटेल बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है और इसकी वो बहुत ही कम वैल्यू। तो ये इस समय फ्यूचर रिटेल जो आपको इस समय दिख रहा है 100 के आसपास ही ट्रेड होता हुआ, तो ये इसकी एक करेक्ट भाव है। अगर इसके वैल्यूएशन और बाकी सारी चीज़ें कंपेयर करें तो उससे तो अभी भी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है। और एक इन्वेस्टर यही तो करता है कि सस्ते भाव पे ले लेता है और उसको हाई प्राइस पे बेचता है। तो अभी हमको सस्ते भाव पे तो मिल गया, अब इसके हाई प्राइस का हमको वेट करना पड़ेगा और फिर सेल करना पड़ेगा। और वही अगर मैं बात कर लूँ फ्यूचर कंज्यूमर की, तो वहाँ वैल्यू डाउन जाती हुई दिखी है और कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर हमको इसका भी सही बताओ। तो अगर मैं आपको सच बोलूँ, मैं फ्यूचर कंज्यूमर इतना ज़्यादा कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप ले सकते हैं क्योंकि एट द एंड आपको तो फ्यूचर एंटरप्राइज मिल रहा, तो आप ये ले सकते हैं। हमको फ्यूचर ग्रुप का जो है वो ज़्यादा फ्यूचर रिटेल का हमको ज़्यादा अच्छा लगता है और वो वैल्यूएशन के आसपास भी। इसका थोड़ा फंडामेंटल हमको स्ट्रांग नहीं लगता, इसलिए हम आपको अभी फ्यूचर कंज्यूमर रिकमेंड भी नहीं किए हैं। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ फ्यूचर एंटरप्राइज की, तो फ्यूचर एंटरप्राइज में वैल्यू आज डाउन जाते हुए दिख रही है, लेकिन अब शायद कल से इसकी वैल्यू फिर से हमको अप जाते दिख सकती है, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है मार्केट से जो हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ा सके। और तो चलिए फटाफट से डाटा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है फ्यूचर एंटरप्राइज में। आज वैल्यू अब तक देख रहे हैं कि डाउन हुआ है, और अब यहाँ पे मार्केट ऑन रनिंग मार्केट का मैंने लिया है सारा डाटा, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स कितने हैं और यहाँ पे सेलर्स कितने। इस समय सेलर्स बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बायर्स, तो शायद उनको भी इस वक्त डाटा का आइडिया नहीं होगा। जब ये डाटा मार्केट में आ जाए तो हो सकता है इसकी वैल्यू फिर से आपको बढ़ते हुए दिख सकती है और फिर से थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको दिख सकता है। और वहीं अगर मैं आज बात कर लूँ इसकी, तो आज ये 15.10 पे खुला था फ्यूचर एंटरप्राइज, फिर इसको नीचे पुश कर दिया गया, नीचे पुश करके इसको 14.35 के आसपास इसको लेके आया गया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं मार्केट क्लोज होने पर ऊपर रहेगा या नहीं। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ फ्यूचर कंज्यूमर की, तो फ्यूचर कंज्यूमर आज 9.85 पे ओपन हुआ था और इसको जैसा फ्यूचर एंटरप्राइज में एंटरप्राइज में हुआ था वैसे इसमें इसको भी नीचे पुश कर दिया गया था और ये नीचे पहुंच गया था ऑलमोस्ट 9.50 रुपीज़ के आसपास में, और फिर से ये रिवाइव करने का कोशिश कर रहा है कि फिर से अब ऊपर आऊँ। अब देखते हैं ऊपर आएगा नहीं, फ्यूचर कंज्यूमर तो नहीं लग रहा ऊपर आएगा। एक बार फ्यूचर एंटरप्राइज का सोच भी सकते हैं कि ऊपर आएगा, लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर का चांसेस कम लग रहे। और वहीं अगर मैं रिटेल सेक्शन की बात करूँ जिसमें से बड़ी न्यूज़ निकल के आई है,
तो लेकिन शायद इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि इसके स्टॉक मार्केट पे कुछ इफेक्ट दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसलिए आप देखिए कि हर जगह फ्यूचर के इसमें आज वैल्यू डायरेक्ट डाउन हुई थी, लेकिन यहाँ पे आज डाउन नहीं हुई, यहाँ पे ये ओपन हुआ था 101.1 के आसपास, फिर से ये ऊपर गया, इसको ऊपर पुश किया गया और ये 102 का लेवल छू गया। आज कोई भी फ्यूचर का ऊपर नहीं गया, यही सिर्फ एक ऊपर गया क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, लेकिन फिर से इसको डाउन पुश कर दिया गया 99 रुपीज़ के आसपास पे। तो ये थोड़ा ऐसे रोज का और है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। तो अब चलिए कंबाइंड डाटा देख लेते हैं कि क्या है फ्यूचर कंज्यूमर ये सब का कंबाइंड डाटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड डाटा हम आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं किसमें कितना वैल्यू आज डाउन गया। फ्यूचर कंज्यूमर में आज 2.5% डाउन गया, वहीं अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो वहाँ भी उतने सब ऑलमोस्ट आसपास ही डाउन गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स को छोड़ के इतने डाउन नहीं गए हैं, कुछ सेक्टर अभी भी ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उन लोग ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। न्यूज़ निकल के आ रही है फ्यूचर रिटेल जो कि फ्यूचर एंटरप्राइज का भी सब चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप की वैल्यूएशन भी चेंज कर सकते हैं, वो न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे, आप ये पढ़ सकते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं अब तक न्यूज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूज़ को, और ये जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आई है, ये न्यूज़ एक रिलायबल न्यूज़ है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते, चलिए देखते कि न्यूज़ क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सम ऑफ द लेंडर ऑफ किशोर बिरयानी इन लाइक्स पीई फंड अपोलो ग्लोबल मार्केट एन एंड ब्लैकस्टोन अलॉन्ग विद द आरबीएल बैंक एंड एक्सिस फाइनेंस हैव रिसेंटली इन्वोक प्लेस टू टेक इक्विटी स्टेक्स इन द फ्यूचर ग्रुप फर्म वाइल अ फ्यू इक्विटी इन्वेस्टर लाइक नोग्रास बैंक हैव डाउनसाइज देयर होल्डिंग्स। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्यूचर की वैल्यूएशन कम हो रही है, जैसे जैसे फ्यूचर ग्रुप की वैल्यूएशन कम हो रही है, बहुत सारे इसमें इन्वेस्टर आके इसको खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन हमको यहाँ कम देखने मिल रही है, फ्यूचर अभी सबको सस्ते दाम पे मिल रहा है, इसलिए सब आ रहे हैं। और यही होता ही है अगर आपने पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर लिया कि अभी इसकी वैल्यूएशन कम है, अभी बाय कर लेना चाहिए, फिर आप मार्केट के रश को देख के उसको बाय करते हो और हाई प्राइस पे आप बाय कर लेते हो गलती से, और वहाँ पे फिर आपको सेल करने का मौका नहीं मिलता है। हर बार यही होता है, चाहे आप आलोक इंडस्ट्री को ले ले, चाहे आप फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल या यस बैंक को ले ले, तो हर बार हमने यही देखा है उन लोग स्टार्टिंग से न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, उन लोग बीच में एंट्री मारने की कोशिश करते हैं और जो बीच में एंट्री मारता है उनको कई बार लॉस होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हमेशा ही लॉस होता है, कई सारी जगह हमने प्रॉफिट भी देखा, जैसे VI में हमने जब बताया था सब लोगों ने एंट्री मार तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट देखने मिला था, और भी दो तीन शेयर जब हमने बताया तो वहाँ पर प्रॉफिट देखने मिला था। इसलिए आपको न्यूज़ पे एकदम नज़र बरकरार रखनी चाहिए, जब न्यूज़ ओल्ड हो जाए तो उस न्यूज़ का फ़ायदा नहीं तो आपको लॉस करवा सकती है। इसलिए तो हम बोलते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब करो ताकि आप न्यूज़ से अप टू डेट रहो, आपको पता चलते रहे कि क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है और आप उसका भी प्रॉफिट ले पाओ। आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मूव हो रहा है 100 के, और इसके आसपास ही ट्रेड तो दिख रहा है, ये जल्दी ही इसका ये गैप ये फिल करके इस रेड जोन के ऊपर निकल गए, फिर से हमको वो ऊपर चढ़ाव देख सकता है, लेकिन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, इसलिए हम भी रिकमेंड कर रहे हैं, वैसे हम ज़्यादा नहीं कर रहे, आपके ऊपर पूरा चॉइस है कि आप इसको फॉलो करें या ना करें। हम भी यही रिकमेंड करेंगे अगर आपको ये शेयर 95 से लेके 105 के बीच में मिल रहा है तो आपके लिए हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये एक इसकी अच्छी वैल्यूएशन हो सकती है। और वहीं अगर हम बात कर लें कि कितने परसेंट डिलीवरी लिए गए हैं, तो जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में आज 62% के आसपास डिलीवरी लिए गए हैं, और वहीं फ्यूचर कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो वहां 72% डिलीवरी अब लिए जा रहे हैं। अब डिलीवरी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि अब इसमें जो चालाक इन्वेस्टर है उनकी एंट्री हो रही है, आप पहले डिलीवरी देखेंगे बहुत कम हो रही थी, 30, 30, 28, 40 के आसपास डिलीवरी हो रही थी, अब डिलीवरी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं फ्यूचर रिटेल का, तो फ्यूचर रिटेल में भी आप अच्छी खासी 69.72% के आसपास आज डिलीवरी ली गई, जो इसके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। और
तो चलिए अब उसमें जो आपने बोला था कि हमको रिकमेंड कीजिए कि हम कौन से ले जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको थोड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उसके ऊपर आते हैं। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस बरकरार करके चलना होगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे तो हो सकता है आपका उसमें लॉस हो सके। तो आज जिसके बारे में हम बोलेंगे ये फुल आपके ऊपर चॉइस है कि आपको इसको लेना, यानी हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे लेने के लिए, आप इस पर अपना खुद रिसर्च कीजिए उसके बाद लेना। तो आज का जो हम लेने वाले हैं वो बता रहे कि वो टाइटन है। टाइटन आपको पता होगा कि टाइटन में किसने इन्वेस्ट किया है और कौन इससे कितना अमीर बना है, नहीं मालूम तो एक बार गूगल कर लीजिए कि जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है उसका कितना परसेंट स्टेक है टाइटन में। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइटन को आप 1185 पे ले सकते हैं, इस वैल्यू पे आप ले सकते हैं टाइटन को। और इसका टारगेट, इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट है 1218 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। और वहीं आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 167 का आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आप अगर ये लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट इधर देखने मिल सकता है और हो सकता है आपकी वैल्यूएशन अप भी जाएगी। तो आज का वीडियो, अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद है और आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, आपको यहाँ अगर 6K नहीं दिख रहा है तो मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके इसको 6K क्रॉस कर दीजिए। हमारा एम है कि हम 4 दिन के अंदर 6K पार करें, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यहाँ आपको 6K दिखे और हमको भी अच्छा लगे कि हमारे व्यूवर्स जो है हमको सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा पड़ा रहता है, हमारे 70% के आसपास व्यूवर्स हमको रेगुलरली देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक क्यों नहीं किए हो और लाइक करके बता दो कि आप फ्यूचर को अभी होल्ड करो और इसकी वैल्यू ऊपर जाए, क्योंकि जो डरे हुए रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ फ्यूचर रिटेल और ग्रुप को भी होल्ड किया जा रहा है और इसकी वैल्यू अब जाने पर इसको बेचा जाए, क्योंकि डरे हुए लोग बेच रहे थे और वैल्यू इसकी नीचे चली जाती है, ऊपर आने नहीं मिलने का नहीं मिलता है। तो लाइक करके उनको भी बता दीजिए कि हाँ हम होल्ड कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।